हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने चैनल पुष्पा डिज़ाइन पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज करेंगे हम कटिंग, लहंगे की कटिंग। डिज़ाइनर लहंगा ये किड्स के लिए है, तो फुल हम लहंगा और ब्लाउज़ की फुल कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। हमारा डिज़ाइनर लहंगा होगा और ब्लाउज़ भी हम डिज़ाइनर ब्लाउज़ कट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं लहंगा की कटिंग। तो यहाँ पर हम फैब्रिक को डबल करके पहले अच्छे से सेट कर लेंगे। डबल करके हमें सेट करना है, तो मैं इसको यहाँ पर डबल करके सेट कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको एक और बार मोड़ते हुए इसको वी शेप में रख लूँगी। तो यहाँ से ऊपर से पहले हम कमर कट करेंगे। तो जो भी हमारी कमर के जो भी हमारा आ रहा है उसे हम 1 इंच प्लस करके लेंगे। और मैं यहाँ पर इलास्टिक लगाऊँ तो मैं यहाँ पर 4 इंच प्लस करके ले रही हूँ, ताकि इलास्टिक लगाएंगे हम तो थोड़ी ही बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरा जो भी है हाइट 8 आ रहा है, तो मैं 8 पर मार्किंग करके उसको 8 पे ही पूरे गोलाई दे दूंगी। तो ऊपर से हमारी मार्किंग हो गई है, अब हम नीचे से मार्किंग करेंगे। तो नीचे से जितना भी आप फ्रिल लगा रहे हैं उसको छोड़ के 2 इंच प्लस करके आप मार्किंग कीजिए, ताकि हम वापस उसको गोलाई में कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं 28 पे रख रही हूँ हाइट। मेरा लहंगा पूरा 31 हाइट में है, तो मैं 7 इंच की फ्रिल लगाऊँगी। तो उसके हिसाब से मैंने 2 इंच प्लस करके ले लिया है फ्रिल को माइनस करके। तो ऐसे ही हम 28 पर हम पूरे लहंगे की जो गोलाई है वो 28 पर हम मार्किंग कर लेंगे। और ऐसे हम पूरे गोलाई पे अच्छे से मार्किंग कर लेंगे। तो मार्किंग हमारी हो गई है, अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। एकदम गोलाई में मार्किंग करना है, फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो लहंगे की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है, अब हम नीचे लगाएंगे फ्रिल। तो यहाँ पर मैंने ये फ्रिल लिया है और यहाँ पर पहले हम कमर बेल्ट कट कर लेंगे। जितनी भी आपकी कमर जो आपने कटिंग की है उसके अकॉर्डिंग हम कमर का जो बेल्ट है वो कट कर लेंगे। तो बेल्ट हमें स्ट्रेट में कट करना है, तो जितने भी आपकी जो आपकी कमर है वो आप ऐसे 4 फोल्ड करके ले लीजिए। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ कमर की जो भी फिटिंग है वो, और उसके बाद 4 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि हाँ यहाँ पर मैं कमर में इलास्टिक लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है और इसकी बेल्ट की जो विड्थ है वो मैं लेऊंगी 4 इंच। तो यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड करके 2 इंच पर किया, तो हमारा ये बेल्ट 4 इंच का बन के रेडी हो जाएगा। 2 इंच का बनेगा रेडी, 4 इंच में हमें कटिंग करना है। तो बेल्ट हमारा कटिंग हो गया है, अब इसको हम साइड में रख लेंगे और इसके ऊपर यहाँ पर हम इसको जॉइंट करेंगे। तो बेल्ट हमारा रेडी है, अब नीचे हम फ्रिल कट करेंगे। तो फ्रिल हमने रेडी कर लिया है, मैंने इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया है। जितना हमारा फोल्डिंग आए उतना मैंने फोल्ड कर लिया है। और नीचे से पहले हम इसकी किनारे को बाहर निकाल देंगे, किनारे अंदर नहीं लेना है। और उसके बाद हम फ्रिल की जो लंबाई है वो हम रखेंगे। तो मैं यहाँ पर 6 इंच की फ्रिल बनाऊँगी, तो 6 मार्किंग करके हम 6 के अब एकदम स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो हम सारी जितनी भी हमारी पट्टी आ रही है वो हम 6 पर एक के ऊपर एक रखेंगे और सारे पट्टी को ऐसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे फ्रिल्स को कट कर लिया है, अब हम इसको इसके साइड में रख लेंगे और जो बचा है कपड़ा हम स्लीव्स में काम में लेंगे।
अब हम करेंगे ऊपर का ब्लाउज। तो यहाँ पर हम अस्तर को डबल फोल्ड करके फिर मैं इसको चार फोल्ड कर लूँगी। मैं दोनों फ्रंट एंड बैक दोनों एक ही साथ कट करूँगी, क्योंकि ये छोटी बच्चे का ब्लाउज ड्रेस है, जैसे 6-7 ईयर्स लड़की का। तो डबल फोल्ड करते हुए हम इसको कटिंग करेंगे। तो मैं फ्रंट एंड बैक दोनों एक ही साथ कट करूँगी। तो नीचे से पहले हम स्ट्रेट कर लेंगे और ब्लाउज़ की जो लंबाई है वो हम 10 रखेंगे, 1 इंच प्लस करके 11 पे हम मार्किंग करेंगे। तो लाइन 11 पे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ से जो इसका शोल्डर है वो हम मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर इसका आ रहा है 5.5, ये बोट नेक पर मैं रेडी करूँगी तो इसका शोल्डर 5.5 आएगा। और नीचे से हम आर्म को लेंगे 5 और यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर हमारी जितनी भी कमर है उसका हमें चौथा भाग लेना है। तो यहाँ पर मैं कमर का चौथा भाग ले रही हूँ। तो हमारा कमर जो है वो 6 आएगा और उसको मैं 1.5 इंच प्लस करके लूँगी तो हमारा 7.5 आ जाएगा। और नीचे से मैं यहाँ पर 5 हमारी फिटिंग है और 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, 1.5 इंच हम फिटिंग और 1 इंच हम नीचे फ्लिट्स के लिए लेंगे। तो नीचे से हमें 2.5 इंच प्लस करके लेना है जितने भी आपकी कमर है, उसके बाद हम आमकुल की शेप दे देंगे। और यहाँ से हम जो नेक की जो फिट है वो मैं ले रही हूँ 3 और नीचे से हमारी मतलब दोनों साइड से हमारा 3 इंच ही है। ये बच्चे के लिए है, छोटी बच्ची के लिए है, 6-7 ईयर्स के लिए है। तो हमारा बोट नेक कितना ही बनेगा तो यहाँ पर मैं बोट नेक की शेप दे दूँगी और यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे ब्लाउज़। और यहाँ से हम थोड़ा सा शोल्डर डाउन देंगे, वो 1/2 इंच देना है सिर्फ। तो ब्लाउज़ हमारा कटिंग हो गया है, अब इसको हम बाहर निकाल देंगे एक पार्ट को और फ्रंट का रखेंगे। और यहाँ पर हम आमकोल की शेप देंगे। तो यहाँ पर हम आमकोल की शेप देंगे अंदर की साइड, ये हमारा फ्रंट है तो हम अंदर की साइड 1/2 इंच मार्किंग करेंगे और यहाँ पर हम शेप दे देंगे। तो ये हमारी आमकोल कट हो गई है फ्रंट की और यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया है, अब हम मेन फैब्रिक पर रखकर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लिया है, अब हम बाहर निकालेंगे एक को और पेपर पेस्टिंग करेंगे इसकी। तो ऊपर पेपर के ऊपर रखकर हम एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे जो भी हमारा नेक है। ये हमारा फ्रंट भाग है तो मैं यहाँ पर आर्मकोल की जो बैक का जो हिस्सा है वो मैं इसके ऊपर ऐसे रख कर मार्किंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर लिया है, अब हम पेपर को कट कर लेंगे। तो पेपर की कटिंग हो गई है, अब इसको हम सेंटर कट लगाएंगे और ओपन कर लेंगे और बीच में हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा ऑफ है तो सीधी साइड ड्रॉ करेंगे और जो भी हमारा नेक शेप है वहाँ से हम नेक शेप एक शोल्डर ऐसे बाहर निकाल देंगे तो हमारा ये शेप हो जाएगा। उसके बाद हम 1/2 इंच सिलाई मार्जिन कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा ऊपर कट करेंगे ताकि हमारी सिलाई उस मार्जिन पर आ जाए। तो ऊपर से हम कट करेंगे 1/2 इंच वो मार्किंग छोड़ते हुए, तो ऐसे हमें एक शोल्डर बाहर निकाल देना है। तो ऐसे हम अब हम मेन फैब्रिक पर रखेंगे और पेपर को ऊपर रखकर हम कटिंग कर लेंगे फ्रंट एंड बैक दोनों।
तो यहाँ पर हमारा दोनों पार्ट कट हो गया है, फ्रंट एंड बैक। तो अभी इसकी हम अच्छे से कटिंग करके फिर इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। और यहाँ पर मैं नेट की फ्रिल लगाऊंगी, हैंड पे हम कटिंग करेंगे तो वो भी हम उसी टाइम रेडी करेंगे। और यहाँ पर पहले हम लहंगा स्टिच करेंगे, तो मैंने लहंगे के जो फ्रिल है नीचे वो पहले हम रेडी कर लेंगे। तो जितने भी हमारे पीसेस थे हम सबको पहले जॉइंट लगाएंगे, तो एक के ऊपर एक रखते हुए हम हाफ मार्क जितना हमें कवर करते पहले सीधी सिलाई लगा लेनी है जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं वो सब। तो सीधी पट्टी पहले हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जितने भी हमारे पीसेस थे मैंने सबको जॉइंट लगा लिया। अब हम इसके हम स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं सिंगल नेट पर ही हम फ्रिल बनाएंगे, तो एकदम पास एक के ऊपर एक हम रखते हुए छोटे छोटे हाफ हाफ इंच में हमें चुनटे डालनी है पूरे पट्टी पर। तो ज़्यादा बड़े फ्रिल नहीं लेंगे हम, छोटे छोटे ही लेंगे हाफ इंच, और सबको ना एक के ऊपर एक रखते हुए इसको हम स्टिच करेंगे। तो देखिए तो ऐसे हम पूरे फ्लिट्स को ले लेंगे अच्छे से सेट करते हुए। तो यहाँ पर मेरी पूरी फ्लिट्स बन के रेडी हो गए हैं। अब हम लहंगा स्टिच करेंगे। तो देखिए हमारी ये फ्लिट्स बहुत ही सुंदर बनी है, और अब हम लहंगा स्टिच करेंगे। तो लहंगा हम पहले इसको ओपन करेंगे और सीधी सिलाई लगा लेंगे जो हमारा जॉइंट है वहाँ पे, क्योंकि हमें कमर बेल्ट लगाना होगा तो हम पहले सीधी सिलाई लगा लेंगे। और हाफ मार्जिन जितना हमें सिलाई में कवर करते हुए उसकी सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पर सीधी सिलाई लगा ली है, और नीचे पहले हम लगाएंगे ये कैनवास की पट्टी नीचे। तो यहाँ पर मैंने कैनवास की पट्टी है, ये सीधी पट्टी है, ज़्यादा वो नहीं है, जितनी आपकी मर्जी लगा लो। मैंने यहाँ पर कैनवास 2.5 इंच पर कट किया है, और ये हमारी पूरी पट्टी 3 इंच पर बन के रेडी हुई है। तो इसकी हम सीधी सिलाई से हमारे कैनवास कट होगा और इसके ऊपर हम लहंगे पे लगाएंगे। तो लहंगे पे हमें ऊपर की साइड लगाना है हाफ मार्जिन जितना हमें कवर करते हुए। तो ऐसे हम पूरे लहंगे पे गोले पे ये कैनवास की पट्टी लगा लेंगे। कैनवास का हमेशा सीधा ही कट करना होता है, और जो ऊपर जो अस्तर हमने जॉइंट किया वो भी सीधा ही करना है, और दोनों को एक के ऊपर एक कर आइन कर देंगे। तो ये हमारे ये पट्टी रेडी हो जाएगी। उसके बाद हमें एक साइड से उसको अस्तर को मोड़ते हुए हम फिनिशिंग करेंगे, और एक साइड में हम खुला छोड़ देंगे ताकि हम वो सिलाई में कवर कर सके। तो ऐसे हम इस पट्टी को पूरे घाघरे पे लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया है, और यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लूँगी, और दोनों को ऐसे पकड़ते हुए यहाँ पर नीचे हम पक्का करेंगे। और यहाँ पर हम कैनवास बाहर निकाल के सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो हमारे ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हो गए, और एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेंगे, और ये पूरे पट्टी पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे।
तो यहाँ पर मैंने कट लगा ली है। अब हम पट्टी को मोड़ेंगे और पट्टी के ऊपर हम जो अस्तर का जो फैब्रिक है वहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो पूरी पट्टी पर हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम फ्रिल लगाएंगे। तो फ्रिल हम पट्टी पे फ्रिल लगाएंगे ऐसे, ताकि हमारा ये धागा दिखे ना। तो हमें पट्टी पे पहले हम फ्रिल लगा लेंगे, जो हमारी कैनवास की जो बेल्ट है उसके ऊपर हम फ्रिल लगाएंगे। तो फ्रिल को हमें अंदर की साइड मतलब ऐसे फेस करके रखना है उसको, और उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। जो हमने फ्रिल पे सिलाई लगाई थी वही सिलाई हमें लगानी है 1/2 इंच छोड़ते हुए। तो पहले पूरे फ्रिल को हम ऐसे ही कैनवास के पट्टी के ऊपर हम पूरे गोलाई में स्टिच कर लेंगे। और एक्स्ट्रा फ्रिल को हम कट कर लेंगे और दोनों फ्रिल को मिला लेंगे। तो एक्स्ट्रा जो भी फ्रिल है वो हम कट कर लेंगे, और उसके बाद दोनों जो फ्रिल मिला लेंगे एक के ऊपर, और यहाँ पर हम लॉक करते हुए बाहर निकालेंगे। और उसका जो जॉइंट है वहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों फेस को ऐसे पकड़ते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। तो हमारे ये फ्रिल लग गए हैं। अब हम इसकी पट्टी लगाएंगे, जो कैनवास की पट्टी थी वो लगाएंगे। तो लहंगे को हम उल्टा करेंगे और अंदर की साइड जो हमारा कैनवास है वहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी अब पट्टी लगेगी लहंगे की। और जहाँ जहाँ हमारी चुनेटे आ रही है छोटी छोटी, वहाँ पर हम चुनेटे लगा लेंगे, क्योंकि ये अम्ब्रेला लहंगे में चुनेटे आती है जब हम नीचे पट्टी लगाते हैं। तो ऐसे हम पूरी पट्टी को रेडी कर लेंगे लहंगे की। तो हमारा यहाँ पर लहंगा लग गई है पट्टी। तो देखिए बहुत ही सुंदर हमारी ये पट्टी लग के रेडी हुई है। धागा वागा कुछ भी नहीं दिखेगा, एकदम फिनिशिंग के साथ अंदर हमारे पट्टी लग के रेडी हुई है। अब हम यहाँ पर ऊपर लगाएंगे कमर बेल्ट। तो मैं यहाँ पर अब कमर बेल्ट लगा लूँगी। तो हमें 1/2 इंच इसको छोड़ेंगे और बेल्ट को हम अंदर की साइड रखते हुए लगाएंगे, ताकि हमारे ये पट्टी बाहर आए। तो हमें अंदर की तरफ इसको रखना है और 1/2 इंच हम छोड़ देंगे, ताकि हम पूरे जब हम कमर की सिलाई लगाएंगे तो वो हमें कवर करना होता है। तो 1/2 इंच हम कमर पट्टी को छोड़ते हुए 1/2 मार्जिन जितना हमें कवर करते हैं उसको स्टिच करना है पूरे गोलाई में, जितने भी आपकी कमर की गोलाई है वहाँ। तो यहाँ पर हमारा कमर बेल्ट लग गया है, और अब इसको हम बाहर निकाल के यहाँ पर हम दोनों जो फेस है यहाँ पर एक जॉइंट आएगा वो हम जॉइंट लगा लेंगे, वो भी 1/2 इंच में हमें सिलाई में कवर करते हैं इसको स्टिच करना है। तो हमारी ये बेल्ट लग गया है एकदम गोलाई में। अब हम इलास्टिक
इसके अंदर इलास्टिक लगाएंगे, तो जितनी भी आपकी कमर है उसे आप 3 इंच माइनस करके कमर बेल्ट लगाइए। तो पहले मैं दोनों को फेस को ऐसे पकड़ दूँ, यहाँ पर लॉक कर लूँगी अच्छे से राउंड में। तो जितनी भी आपकी कमर है 3 इंच माइनस कर लीजिए इलास्टिक को, फिर दोनों फेस को ऐसे पकड़ दूँ, यहाँ पर हम पक्का करेंगे। तो इसके अंदर हम बेल्ट लगाएंगे इस तरह, और इसको हम डबल फोल्ड करते हुए बेल्ट को यहाँ पर हम इसको अच्छे से अंदर की तरफ मोड़ते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे पक्का करके। ऐसे ही हमें पूरे कमर पे स्टिचिंग करना है, और इलास्टिक को थोड़ा थोड़ा हमें खींचते हुए पूरी कमर को हम रेडी कर लेंगे। बिल्कुल भी इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, सिर्फ फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगानी है। इलास्टिक को हम अंदर की तरफ ऐसे छोड़ देंगे, इलास्टिक पे हमें सिलाई नहीं लगानी है। तो यहाँ पर हमारा जो कमर है वो हमारी फिटिंग हो गई है, अच्छे से हम इसको सेट करेंगे और यहाँ पर हम पक्का कर लेंगे। तो हमारा ये कमर बेल्ट लग गया, वहाँ अच्छे से हम इसको खींच के सेट कर लेंगे पूरी जगह पे, जो इलास्टिक है वो अच्छे से सेट करेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा ये इलास्टिक लग गया है, और उसके बाद हम एक सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे। तो इसको हम खींचते हुए इसको सिलाई लगाएंगे, तो ऐसे अच्छे से इसको हमें खींचना है, खींच कर हमें सेंटर में सिलाई लगाएंगे सिर्फ एक ही इलास्टिक के ऊपर। तो देखिए हमने सिलाई लगा लिया, तो अच्छे से हमारा ये इलास्टिक सेट हो गया है, और फ्रिल के साथ हमारा ये लहंगा बहुत ही सुंदर, देखिए बहुत ही सुंदर हमारा ये लहंगा बन के रेडी हुआ है। अब हम ऊपर का जो ब्लाउज़ है वो रेडी करेंगे। तो पहले हम कैनवास की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही इस नेक को रखते हुए इसको पलट लेंगे। हमारा थिक क्लॉथ है तो ज़रूरत नहीं है, अगर सॉफ्ट हो तो आप कैनवास यूज़ कर सकते हो। तो मैं ऐसे ही इसको एक के ऊपर एक रखूँगी, और यहाँ पर हम अच्छे से इसको सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर शोल्डर से जो मैं हमारे आम कोल है वहाँ से मैं इसको पूरा इसको रेडी करूँगी। तो ऑफ मार्जिन हमें सिलाई में कवर करते हुए इसको पूरे नेक और शोल्डर जो भी है हमारे सब अच्छे से मैं सिलाई में ले लूँगी फिनिशिंग के साथ, ताकि हमारा ये कपड़ा बिल्कुल भी बार ना आए। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है, और फिर यहाँ पर हम लगाएंगे छोटे छोटे कट, शोल्डर भी जॉइंट करेंगे, फिर यहाँ पर हम ना छोटे छोटे कट लगा देंगे पूरे नेक पर, और इसको हम पलट लेंगे। तो आपकी सिलाई अच्छे से ना हो तो अच्छे से एक बार और सिलाई लगा लीजिए, यहाँ पर थोड़ा हम शेप दे देंगे, और यहाँ पर हम कट लगा कर इसको पलट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से पलट लिया है, और अच्छे से हम इसके किनारे बाहर निकाल देंगे, और फिर इसको अच्छे से हम सेट करेंगे, और इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम अच्छे से इसको सेट करेंगे, फिर इसके हम
जो मशीन जो हमारा मशीन का जो फुट है ऑफ फुट जितना हमें सिलाई में कवर करते हुए इसको स्टिच करना है, तो अच्छे से हम इसके नोक वगैरह अच्छे से बार करते हुए उसकी हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो हाफ फुट जितना हमें मार्जिन सिलाई में कवर करते हुए इसको स्टिच करना है पूरे शोल्डर और नेक पे। और पूरे टॉप पर हम पूरे सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे और बैक में हम यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे, तो दोनों सेंटर को हम ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पर हम कट लगाएंगे और 3-3 इंच पे हमें मार्किंग करना है और यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। हमारे ट्रक्स पॉइंट है तो लंबे में हम 3.5 पे हम लेंथ लेंगे और 1/2 इंच हमें कवर करते हुए इसको स्टिच करना है। तो दोनों ट्रक्स पॉइंट हम ऐसे ही ले लेंगे। तो हमारे अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसको भी सेम ऐसे ही हम स्टिच करेंगे। तो ऑफ मार्जिन हमें सिलाई में कवर करते हुए यहाँ पर हम अच्छे से इसको पहले स्टिच कर लेंगे। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। छोटे छोटे कट लगाएंगे, फिर इसको हम पलट कर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। आप अच्छे से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। और इसको अच्छे से हम पलट लेंगे। तो पूरे इस पर हम अच्छे से सिलाई लगा लेंगे और नीचे से भी हमें सिलाई लगानी है, तो इसको हम पलटेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। तो ऐसे हमें डबल फोल्ड करना है और सेंटर मार्किंग करेंगे। फिर यहाँ पर 3 इंच पे मार्किंग करके हमें ये ट्रक्स पॉइंट ले लेंगे। तो सेम वैसे ही लेने हैं हमें 3 इंच लंबाई में, 3.5 इंच लंबाई में 1/2 इंच मार्जिन कवर करते हुए। तो दोनों हम ऐसे ही, तो हमारा ये रेडी हो गया है दोनों फ्रंट एंड बैक। अब हम एक के ऊपर एक रखेंगे और शोल्डर पहले जॉइंट कर लेंगे। तो ऑफ मार्जिन हमें एक शोल्डर कवर करते हुए इसको स्टिच कर लेना है। तो हमारे शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। अब ऐसे से इसको हम सेट कर लेंगे। तो हमारे शोल्डर रेडी हो गए हैं और एक साइड से हम यहाँ पर एक बेल्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये बेल्ट लिया है 3.5 पे। ये हमारा 3.5 इंच का पट्टी मैंने ली है और इसको मैं यहाँ पर उल्टा करके किनारे पे पहले सिलाई लगाएंगे। तो एकदम किनारे पे सिलाई लगानी है और नीचे से हम पैक कर देंगे ताकि हम इसको अच्छे से पलट लें। तो मैं यहाँ पर इसको पलट लूँगी, पेन की मदद से पलट लूँगी इसको और इसके अच्छे से हम किनारे बाहर निकाल के यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी सिलाई अच्छे से दब जाए। तो बेल्ट हमारा रेडी है, दोनों साइड से हम सिलाई लगाएंगे तो हमारी ये बेल्ट अच्छे से बन जाएगा। फिर इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और जो भी हमारा शोल्डर है हाइट है उसके हिसाब से हम वहाँ पर हम ये पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं डबल फोल्ड करूँगी
और यहाँ पर हम इस बेल्ट को अंदर की तरफ रखेंगे और जितना हमारा आ रहा है शोल्डर, यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। तो पहले यहाँ पर कट करके 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है बेल्ट को, ताकि हम अंदर की साइड सिलाई में जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कटिंग कर लूँगी। तो देखिए शोल्डर के 1/2 इंच मैंने छोड़ दिया, तो यहाँ पर मैं मार्किंग करूँगी। हमें इतना सिलाई में दबाना है, तो दोनों साइड से हम अच्छे से मार्किंग करेंगे, फिर इसको ओपन करके हम लगा लेंगे। तो ये हम ऐसे करने से हमारा शोल्डर ना एकदम से दोनों इक्वल आ जाते हैं और अच्छे से सेट भी हो जाता है जाएगा। उस साइड से भी हम ऐसे ही इसको पक्का कर लेंगे। तो हमारे शोल्डर रेडी हो गया है और यहाँ पर हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और हम बैक में ओपन करेंगे। तो मैं इसको, दोनों हमारा सेम ही है, तो यहाँ पर हम एक पार्ट को लेंगे और डबल फोल्ड करते हुए इसको अच्छे से पहले सेट कर लेंगे और यहाँ से हम बीच में से इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम, मैंने ओपन कर लिया है। अब इसको हम 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो दोनों अस्तर और मेन फैब्रिक को, दोनों को हमें ऐसे रखते हुए इसको फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें ऊक पट्टी आई पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये थिक है और ये बच्चे के लिए है, तो ज़्यादा हम वो नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर 1/2 इंच अंदर की तरफ मोड़ लूँगी दोनों पट्टी को, तो हमारे ये फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसमें 1 इंच प्लस करके ही लिया है, तो मैं यहाँ पर दोनों सेम ही रख लूँगी। तो ऐसे ही हमें दोनों पार्ट्स को अच्छे से मोड़ते हुए हम यहाँ पर पक्का कर लेंगे। तो देखिए हमारी ये पट्टी बहुत ही अच्छे से हमारी रेडी हो गई है। तो इस साइड से मैं ऐसे ही कर लेंगे। तो दोनों साइड से मैंने रेडी कर लिया है और या चाहे तो आप यहाँ पर हुक लगा सकते हो या फिर जिप लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं अभी स्लीव्स कट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने, जैसे नॉर्मली हम स्लीव्स कट करते हैं, सेम वैसे ही स्लीव्स कट करनी है। तो यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड ले लिया है फैब्रिक, सिर्फ हमें दो स्लीव्स कट करनी है। तो यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड करके लिया है फैब्रिक और ऐसे हम लेंगे लेंथ स्लीव्स की 6.5 लेंगे। जो हमारी स्लीव्स है वो 6.5 होगी। नॉर्मल स्लीव्स कट करते सेम वैसे ही कट करना है और यहाँ पर मैं लूँगी 6 स्लीव्स की लंबाई, चौड़ाई। लंबाई हमारी 6.5 है और चौड़ाई हम ले रहे हैं 6 और यहाँ पर हम 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और स्लीव्स की शेप दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स की शेप दे दी, अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो नीचे से भी हमें स्ट्रेट कट करना होता है, नीचे से शेप नहीं देना है, सीधे ही कट करके स्लीव्स की शेप दे देनी है और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो हमारी ये दो स्लीव्स कट हो गई है और फिर एक स्लीव्स हम निकालेंगे और इसको हम नीचे रख लेंगे 1.5 इंच पे और यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा। तो नॉर्मल स्लीव्स जैसे हमें कट करना है, दोनों साथ में कट करेंगे, फिर इसको एक को नीचे रखते हुए यहाँ पर और डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर पे पहले मैं मार्किंग कर लूँगी। हमारा सेंटर है तो यहाँ पर सेंटर पे मार्किंग करेंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पर शेप दे देंगे राउंड का, थोड़ा सा हमें राउंड में कट करना है। तो ये हमारी स्लीव्स हो गई है और नीचे से हम और कटिंग कर लेंगे। तो ये दोनों स्लीव्स हमारे रेडी है। और इसको हमें पहले रेडी कर लेंगे। तो दोनों को हम ऐसे लगाएंगे तो हमारी ये स्लीव्स ऐसे ही लग के रेडी होगी। तो मैंने एक के पहले हम इसको, जो इसका किनारा है वो हम सी लेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐसे मोड़ते हुए इसको हम स्टिचिंग करेंगे। ये नेट का फैब्रिक है तो मैं इसको एक बार ही फोल्ड करूँगी, चाहे तो आप पिको भी करा सकते हो, पर मेरे यहाँ पर ये नहीं है तो मैं ऐसे इसको पतले सा मतलब मोड़ लूँगी। एकदम पतली सिलाई लगानी है किनारे पे। ये हमारा नेट का फैब्रिक है तो एक बार बस है। तो दोनों स्लीव्स हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। तो दोनों पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब दोनों के एक के ऊपर एक हम रख लेंगे इसको और यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगा लेंगे।
नीचे से। तो 1.5 इंच का हमें गैप देना होता है दोनों स्लीव्स को एक कर ऊपर एक रखते हुए, और यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगाएंगे। अब हम ब्लाउज़ के स्लीव्स पर रख लेंगे, तो यहाँ पर हम रखेंगे इसको सेंटर में। तो सेंटर में हम इसको रखते हुए हमें स्टिच करना है। हाफ इंच मार्जिन हम कवर करते हुए इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। तो हमारी ये दोनों साइड से स्लीव्स लग गई है और एक्स्ट्रा नेट का फैब्रिक मैंने कट कर लिया। तो देखिए हमारी स्लीव्स अच्छे से सेट हो गई है। तो हमारी ये स्लीव्स अच्छे से सेट हो गई है। अब हम डबल फोल्ड करेंगे और नीचे जो कमर का जो बेल्ट है वो हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं दोनों आर्महोल से ऐसे पकड़ते हुए यहाँ पर हम 1/2 इंच मार्जिन को कवर करते हुए यहाँ पर हम कट लगाएंगे। तो दोनों साइड से हम ऐसे ही लगा लेंगे। और यहाँ पर मैंने अस्तर का मैंने 1.5 इंच फैब्रिक लिया है, सीधी पट्टी है यहाँ पर, और 1/2 इंच हमें मार्जिन कवर करते हुए इसको सीधी सिलाई लगानी है ऊपर की साइड रखते हुए, और छोटे छोटे कट लगाएंगे। फिर इसको अस्तर को हम पलट कर इसके अस्तर के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। पूरी हमें ब्लाउज़ पूरा हमने फिनिशिंग के साथ रेडी किया है, तो फिनिशिंग के साथ हम पूरा ही इसको कम्प्लीट कर लेंगे। और इसको हमें 1 इंच जितनी हमें चौड़ाई में पट्टी रखनी है, बाकी फैब्रिक को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और अच्छे से इसको सेट करते हुए इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का जो हिस्सा है वो रेडी हो गया है। देखिए बहुत ही अच्छे से हमारे लगा है पट्टी, और हम बैक में भी हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। और बैक में हमारी जो उप पट्टी आई पट्टी लगी है तो वहाँ पर हम 1/2 इंच हमें छोड़ना है। तो यहाँ पर मैं वहाँ 1 इंच का गैप दे दूँगी बीच में, और दोनों को एक के ऊपर एक रखकर हम स्टिच कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर बीच में 1 इंच का गैप दिया है, और बीच में हम ओपन करेंगे और यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। देखिए हमने मैंने गैप दे दिया है दोनों साइड में से, और यहाँ पर अस्तर हम पलट कर अस्तर के ऊपर पहले सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर हम इसको पलट कर 1/2 इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए 1 इंच की हम पट्टी रखेंगे, और बटन पट्टी जहाँ पर हमारी लगी है वहाँ पर हमें अंदर की तरफ अस्तर को मोड़ना है। अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो पूरा पूरा वीडियो आप देखिए तभी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लॉक करके इसको कटिंग कर लेंगे। तो एक साइड से हमारे अच्छे से लग गया है फिनिशिंग के साथ, और दूसरे साइड हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे इसको। 1/2 इंच हमें यहाँ मोड़ना है, उसके बाद हम अच्छे से बेल्ट लगा लेंगे और यहाँ पर हम पक्का कर लेंगे। और हमारी ये कमर की पट्टी लग गई है, अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो पहले हम सीधे यहाँ पर हम फिटिंग करेंगे। जितनी भी हमारी कमर है मैं उसके हिसाब से इसको फिटिंग कर लूँगी अच्छे से। तो एक साइड से मैंने फ़िटिंग कर लिया, अब उस साइड से भी मैं इसको ऐसे अच्छे से फिट कर लूँगी। तो देखिए हमारे ये ब्लाउज़ का फाइनल लुक। तो मैं आपको पूरे डिज़ाइन दिखा के बताऊँगी कि कैसे हमारे ये ब्लाउज़ रेडी हुआ है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हमारी स्लीव्स बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हुई है। तो हमारे ये ब्लाउज़ बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ रेडी हो गए। आप चाहो तो बैग में आप जिप भी लगा सकते हो, और आई पट्टी या कुछ भी और भी सेट कर सकते हो, क्योंकि ये छोटे बच्चे के लिए ड्रेस रेडी है। ये जस्ट 6 और 7 ईयर्स के बच्चे के लिए है ड्रेस। तो देखिए हमारे ये लहंगा ब्लाउज़ के साथ बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। आप चाहो तो इस पर लेस भी लगा सकते हो, जहाँ पर मैंने फ्रिल्स लगाए हैं वहाँ पर।
तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।